ओम शांति। 14 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम मुरली का मंथन प्रतिदिन प्रातः 6 बजे 4:30 बजे करते हैं। आप सभी प्रातः 6 बजे 4 बजे जब भी आपको समय हो इस मुरली मंथन में आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। मुरली मंथन का क्या लाभ है, आप यदि इस मुरली को सुन रहे हैं या सुनते हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी सुझाव, किसी कारण से आप लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं, नहीं जुड़ सकते हैं, तो आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो, तो ये लिंक इसी वीडियो के सामने व्हाट्सएप पर दिखाई दे रहा है, उस पर आप लिख कर भेज देंगे तो हम उस बात को मुरली मंथन में जोड़ देंगे और सबके लिए वो हितकारी होगा। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूं शरीर नहीं। ये पाठ तो रोजाना बाबा बताता है, बाबा को और कोई काम नहीं, नई नई बातें नहीं बता सकता, क्योंकि यहां ये अभी भी हम इस बात के अच्छी तरह अनुभवी नहीं हुए। हम अभी तक भी इस बात को पूरी तरह अपने जीवन में धारण नहीं किया है। और बाबा को ये भी रहता है कि नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं, उनको तो याद नहीं है ना, और इसलिए बाबा का पूरा अटेंशन रहता है किसी भी तरीके से बच्चों को आत्मिक स्थिति में लाकर ही मुरली शुरू की जाए। मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं, ये है पहला पाठ। यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ो, यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। और पढ़ाने से पहले ऑटोमेटिक जो पढ़ाएगा उसे भी तो अपने आप में समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो पढ़ाते वक्त तो उसको समझ में आएगा। इसलिए बाबा जो है ना जानता है कि देने वाला बना, क्या बनाओ, देने वाला बनाओ, और लेना तो आ ही जाएगा। क्यों देने वाला बनाओ, क्यों हम सारे क्या बन गए हैं, बनिया, लेने वाले। बनिया होता लेने वाला, वो देना नहीं जानता है ना। तो इसलिए हमने अब बनिए से बनना है ब्राह्मण, और आजकल के ब्राह्मण भी बनिया बन गए हैं क्योंकि वो भी लेना जानते हैं। इसलिए हमें बनना है अब सच्चा सच्चा ब्राह्मण, सिर्फ देने वाला ब्राह्मण। क्योंकि आज हम किसी को भी देखेंगे सारे लेने वाले हैं, तो ब्राह्मण भी लेने वाले हो गए, बनिया भी लेने वाले हो गए। इसलिए क्योंकि देना ही लेना है, बाबा ने हमें क्या समझाया है, देना ही लेना है। दोगे तो मिलेगा, बिना दिए नहीं मिलेगा। ये बात बुद्धि के अंदर हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से बिठानी है। हमें मिल क्यों नहीं रहा, दिया नहीं है इसलिए वो नहीं दे रहे हैं। मैंने दिया होता तो वो बात के देने के लिए आते, क्योंकि घर जाने से पहले हिसाब तो सबको बराबर करना है। मैंने कम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, अब मैं कहूं कि वो मुझे दे दे तो कैसे दे दे और क्यों दे दे, कैसे दे दे और क्यों दे दे। प्रश्न, ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है, ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है, किस विधि से ज्ञान सुनाना है। ज्ञान भी सुनाना है तो किस विधि से सुनाना है, ये भी सुप्रीम टीचर सभी को सिखा रहे। उत्तर,
ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुना। ऐसे सुनाओ, बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं, लाचारी से नहीं, क्योंकि लाचारी से सुनाने में सुनाने वाले को ही कुछ पता नहीं पड़ेगा। अब से कई बार मैं लाचारी में मुरली सुना रहा होता हूं, मुझे भी नींद आ रही है, सोचता हूं चलो सुना ही दू जैसी भी है, तो उससे क्या होता है, मेरे को ही नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं, आगे वालों को क्या समझ में आएगा, आगे वालों को भी कुछ समझ में नहीं आएगा। और मेरे को उमंग उत्साह आ रहा है, मेरे को खुशी आ रही है, मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, तो फिर सामने वाले को भी समझ में आएगा। मुझे ही समझ में नहीं आ रहा तो सामने वाले को भी समझ में नहीं आएगा, वो एक लाचारी हो गया। क्योंकि थकावट होती है, कोई कारण होते हैं जिसके कारण हम सोचते हैं कि हम सुना देंगे, परंतु मैं देखता हूं कि नहीं, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते। परंतु ये बात बहुत जरूरी है कि मुरली सुनाने से पहले कंप्लीट रेस्ट होना जरूरी है, ताकि आप स्वस्थ होकर के आप खुशी से, क्योंकि तभी खुशी होगी, पढ़ते वक्त मुझे ही खुशी नहीं हो रही, सामने वाले को भी खुशी नहीं हो सकती। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, क्योंकि चर्चा भी हम तभी कर सकते हैं जब हम खुश हैं, उमंग उत्साह में हैं। आप कोई प्रश्न पूछे और मैं थका हुआ हूं, और मैं उसको कहूंगा भाई शेर, या तो कोई ना कोई जवाब दूंगा ही नहीं, या जवाब दूंगा तो कुछ वैसा ही होगा। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान की चर्चा भी तभी कर सकते हैं जब स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, मन जागृत है। यदि मन जागृत नहीं है, मन जागृत नहीं है तो स्वस्थ नहीं है, तो आप उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकेंगे, उनके साथ बातचीत नहीं कर सकेंगे। जब आप बातचीत नहीं कर सकेंगे, अपनी बात उन्हें समझा नहीं सकेंगे, तो आपके सुनाने का, ज्ञान देने का फायदा होने की बजाय, सर्विस होने की बजाय, वो तो डिससर्विस हो जाएगी। क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आया तो वो कहेंगे छोड़ो। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे, क्योंकि जब हम आत्मिक स्थिति में होकर के सुनाएंगे, तब आप बाबा के ज्ञान को सही रीति से, सही भाव से समझा सके। तो सुनने वालों को भी खुशी होगी, क्योंकि सामने वाले को कुछ मिलेगा तो उसे भी खुशी होगी। तो इस प्रकार से बाबा ने क्या वंडरफुल तरीका बताया है कि अपने आप को भी आत्मा समझना है, सामने वालों को भी आत्मा समझना है, और फिर बाबा की श्रीमत को खुशी से, और खुशी उसे मिलती है जिसको प्राप्ति हो। जिसको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, वो फिर बच्चे की तरह रीडिंग कर देता। मेरा जो अनुभव है, बस जैसे बच्चा खड़ा हुआ, किताब खोली और पढ़ दिया, वो बच्चे की तरह रीडिंग करेगा, वो उस पर मनन चिंतन नहीं करेगा, अपनी बुद्धि से उसे चेक नहीं करेगा और समझने का प्रयास नहीं करेगा। तो खुद समझेगा तो फिर औरों को भी समझाएगा। तो ये बातें बाबा की जो है ना वंडरफुल, मतलब एक पढ़ाने की देखो ना कितनी वंडरफुल विधि सिखाता है बाबा, एक एक छोटी छोटी बात हम सब बच्चों को सिखाता है कि कहां कोई कमी ना रह जाए। ओम शांति। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी व देही अभिमानी हो बैठो, आत्म अभिमानी हो, देह अभिमानी हो बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाते।
संस्कार किस में बने? आत्मा में। बैठे किसके सामने हैं? किसके सामने बैठे हैं? बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा के सामने हम आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तब तो हमारा कनेक्शन जुड़ेगा। जब हमारा कनेक्शन बाप के साथ जुड़ेगा तो उनकी बातों से, उनके ज्ञान से, उनकी श्रीमत से हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। हमें समझ में आएगा कि ये बात तो बाबा बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बात तो हमें अब समझ में आ रही है। तो जब हमें समझ में आ रही है तब जो है ना वो हमारे जीवन का संस्कार बनेगा। क्योंकि जिसको हम कहते हैं कि हमें आज समझ में आया ना, तो उसको हम सब कॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं अर्जेंट, इस पर सोचना है बैठ करके, ये बात हमने बाद में चर्चा में लानी है। क्योंकि अब तो मुरली आगे चली जाएगी, एक लाइन के बाद आगे चली जाएगी, परंतु जिस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं ये राइट है, तो वो सब कॉन्शियस माइंड में आगे आ जाती है। और जो हम समझते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, जो हम समझते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, तो वो हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, वो हमारे वेटिंग रूम में पीछे पीछे चली जाती है। जिस बात को हमने मुरली सुनते हुए महत्व दे दिया, ये आज जो बाबा ने बताया है ना, ये बहुत अच्छा है, जिसको हमने कह दिया बहुत अच्छा है, वो आगे आगे आ जाएगी। और जिसको हमने कहा, जिसको हमने ऊं कर दिया, इनकार कर दिया, तो वो हमारे वेटिंग रूम में पीछे चली जाएगी, वो हमारे सामने जल्दी नहीं आएगी बात, और वो आनी नहीं है, क्योंकि उसको हमने बिल्कुल पीछे की लाइन में रख दिया। क्योंकि हम खुद, हमारे जैसे कंप्यूटर पर बैठकर कोई फाइल को सेव करता है, इंपॉर्टेंट फाइल में सेव करे, वेस्ट फाइल में सेव करे, मतलब सेव कर रहा है, जैसे जैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं बाबा की बात के ऊपर, वो उसी वो रिएक्शन जो है ना सीधा फाइल को उधर जा करके रख रही है, इतना हम एक्टिव होते हैं। तो बाबा की मुरली सुनते हुए, बाबा की बात को सुनते हुए, सुनाने वाले ने उमंग उत्साह से सुनाया है और सुनने वाले ने भी उमंग उत्साह से सुना है, तो क्या होगा कि वो उस बात को कहां रखेगा? आगे आगे रखेगा, वो सब कॉन्शियस माइंड में आगे आएगी। तो जैसे ही आप बाबा की याद में बैठेंगे, वो बात आपके सामने पहले पहले आएगी। क्योंकि दुनिया की जिन भी बातों को सारा दिन आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो जो है ना बात आगे आगे आ जाती है। पहले उसी पर ही विचार करना होता है, बाकी बातों को हमने पीछे लगा दिया, हमने ही नंबर देना होता है कि किस बात पर हमने विचार करना है, किस बात पर विचार नहीं करना। मुरली को कितना ध्यान से हमने सुना है, वो हमारे योग में महत्वपूर्ण सहयोग देता है, क्योंकि उसमें हमने बाबा की बातों को कितना इंपॉर्टेंस दिया है, ये बहुत बहुत महत्व जो है ना देता है। अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाते हैं, क्योंकि उसी से भरे जाएंगे ना, तो सबका असर आत्मा पर होता है। क्योंकि बाकी सारे दिन हमने गंध सुना, हमने गंध सुनने को इंपॉर्टेंस दी, तो गंदे संस्कार हमारे बन गए। बाबा की बातों को इंपॉर्टेंस दी, तो हमारे अच्छे संस्कार बनने में सहयोग मिलेगा। आत्मा को ही पतित कहा जाता है, पतित आत्मा कहा जाता है। धर्म आत्मा, महान आत्मा, दुष्ट आत्मा, नीच आत्मा, जैसे गुण होते हैं आत्मा को कहा जाता है, कभी शरीर को नहीं कहा जाता। पाप शरीर, धर्म शरीर, देव शरीर, दुष्ट शरीर, शरीर को कभी भी ऐसा टाइटल नहीं दिया जाता। तो जरूर जीव आत्मा ही होगी। ये शब्द क्या प्रयोग हुआ है? जीव आत्मा। जीव आत्मा का क्या अर्थ लेंगे, कौन बताएगा?
हाँ, शरीर के साथ आत्मा जरूर जीव आत्मा होगी, आत्मा शरीर के साथ ही होगी। अब वो जीव भी आत्मा को कह देते हैं, आत्मा भी आत्मा को कह देते हैं। पहली पहली बात कहते हैं आत्मा होकर बैठो, पहली पहली बात कहते हैं आत्मा होकर बैठो, अपने को शरीर नहीं आत्मा समझ बैठो, अपने को शरीर नहीं आत्मा समझ बैठो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स को चलाती है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझेंगे तो कौन याद आएगा, क्यों याद आएगा आत्मा समझने से परमात्मा? क्योंकि ये पाठ किसने पढ़ाया, ये किसने कहा कि तुम आत्मा हो? बाबा ने कहा ना, तो बाबा याद आए। मतलब ये बात इंपोर्टेंस देने वाली है ना, कि ये किसने कहा कि तुम आत्मा हो, तो बाप याद आएगा। यदि याद आया कि दीदी ने कहा है तो दीदी याद आएगी, बाबा थोड़ा याद आएगा। कौन है पढ़ाने वाला? ये नशा हमारी बुद्धि में रहे, क्योंकि साथ साथ एक एक बात पर कितना बाबा अटेंशन देते हैं हमारा, कि एक एक बात हमें याद रहे कि किसने कहा। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, टीचर भी पढ़े तो क्या सुनाई दे सबको, बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। पढ़ाने वाले टीचर को भी कह रहे हैं और सुनने वाले बच्चों को भी कह रहे हैं। कौन कहते हैं? बाप कहते हैं, बाप पढ़ा रहे हैं। ये है पहला पहला पाठ, तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है, हम आत्मा है। ये पहला पहला शब्द, इसको सबक भी कहते हैं, पहला पहला सबक या पाठ या पहला शब्द याद नहीं करेंगे, ये पहला पहला शब्द याद नहीं करेंगे कि हम आत्मा हैं, तो कच्चे पड़ जाएंगे। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये शब्द इस समय बाप पढ़ाते हैं, ये याद रखना, कोई और नहीं पढ़ा रहा। ये स्वयं परम पिता परम आत्मा परम धाम से आकर पढ़ा रहे हैं, आगे कोई भी पढ़ाते नहीं, पहले कोई नहीं पढ़ाते थे। सब जाओ मंदिर में, अपने वो रटी रटाई कहानी गाओ और आज बाप आए ही हैं आत्म अभिमानी बनाकर ज्ञान देने लिए। पहला ज्ञान देते हैं हे आत्मा, मतलब बाबा हमें आकर क्या कर रहे हैं आज? बाबा का अटेंशन किस पर है? टीचर बनाने पर, सबको टीचर बनाने पर बाबा का क्या है आज? अटेंशन है। हे आत्मा तुम पति तो, क्योंकि ये है पुरानी दुनिया और ये है पतित शरीर, प्रदर्शनी में भी तुम बच्चे बहुतों को समझाते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं, तो जब दिन के समय रेस्ट मिलती है उस समय आपस में मिलना चाहिए, भाई बहनों को आपस में क्या करना चाहिए? मिलना चाहिए, समाचार पूछना चाहिए, किसने क्या क्या प्रश्न पूछे, किसने क्या क्या प्रश्न पूछे और हमने क्या क्या समझाया, उससे क्या फायदा होगा? एक जना बता रहा है, बाकी सारे सुन रहे हैं, तो उससे क्या फायदा होगा? क्योंकि जब प्रश्न पूछे जाते हैं उस समय बाबा की मदद मिलती है, बाबा की मदद मिलती है, और वो मदद जो है ना क्या करती है, फिर सबके पास पहुंच जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, यदि सुनाने वाले ने कुछ ठीक नहीं सुनाया, उसकी अवस्था ठीक नहीं थी और उसने उसका जवाब उस समय ठीक नहीं दिया, तो
जो दूसरे सुन रहे हैं वो बता सकते हैं। यदि आप इसको ऐसा समझाते तो बहुत अच्छा होता, तो करेक्शन भी हो गई, क्यों नहीं। बेनिफिट ये होता है कि वो एक के पास बात थी और वो अब सबके पास हो गई, वो बात अब सबके पास हो गई और करेक्शन होकर हो गई, ठीक है कि नहीं। इसीलिए बाबा कहते क्या करो, मंथन करो, आपस में बैठकर मंथन करो, किसने क्या प्रश्न पूछे, हमने क्या समझाया, फिर उनको समझाना है, फिर उस पर ऐसे नहीं ऐसे समझाना चाहिए। समझाने की युक्ति सबकी एक नहीं होती, फिर दूसरा बताएगा, तीसरा बताएगा, तो उनको सबको पता लगेगा, अच्छा इस बात को आप ऐसे भी समझा सकते हैं, इस बात को ऐसे समझाए तो और अच्छा है, ऐसे समझाए तो और अच्छा है, क्योंकि हरेक की युक्तियां, हरेक की बुद्धि, हरेक का विवेक अपना अपना भी तो सहयोग देता है ना, हरेक को बाबा की मदद भी तो अपनी अपनी मिलती है ना, क्योंकि जो जितना बुद्धि पर जोर देगा, बाबा के ज्ञान को अपनी बुद्धि में मंथन करेगा, मक्खन निकलेगा, फिर सिचुएशन पर भी जवाब निकलते हैं, क्योंकि किस सिचुएशन में आप किसके साथ बात कर रहे हो वो सिचुएशन भी उसके सही आंसर तक पहुंचाने में मदद करती है। क्योंकि मैं पहली बार जब कहीं अपना बैंक मैनेजर्स के उसमें प्रोग्राम में गया, तो वहां पर मैं प्रिपेयर होकर के नहीं गया था, मैं तो उनको फिजिकल एक्सरसाइज सिखाने के लिए गया था, परंतु उन्होंने कहा कि मैंने वहां बोर्ड पर लिख दिया स्पिरिचुअल योगा और फिजिकल योगा, बोले जी फिजिकल योगा तो हम करते रहते हैं, बहुत हो गया, आप हमें स्पिरिचुअल योगा, मैं तो तैयार होके ही नहीं गया। अब मैनेजर्स को कैसे शुरू करना है, तो मेरी फर्स्ट लाइन मेरे मुंह से जो निकली, जो सोची भी नहीं थी, क्या आप अपनी बैलेंस शीट पर रोजाना साइन करते हैं, आप अपने बैंक की बैलेंस शीट पर साइन करते हो, क्या आप अपनी बैलेंस शीट पर साइन करते हो। ये बात सारे टॉपिक को चेंज कर दिया एकदम, बोले यही तो हमने सीखना है। तो मतलब बाबा के पास बड़ी वंडरफुल युक्तियां होती हैं, कैसे किस सिचुएशन में उनको सुनाना है। तो ये है दो, अपने को आत्मा समझते हो या देह, है नहीं। तो मूल बात ये है कि अपने आप को क्या समझो, आत्मा है, तो बाप भी सबके हैं, ये बात सबको समझानी है। जो भी देहधारी हैं उनका लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है, हद का बाप तो कॉमन है, सबका एक है, हद का बाप कॉमन है, सारे जानते हैं, हम सबका बाप अलग अलग है, बेहद का बाप वो हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं, वो एक ही बाप भी है, एक ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, ये पक्का कर देना, ये क्या करना है, पक्का कर देना चाहिए। जब तुम किसको समझाते हो, जो जो तुमसे प्रश्न पूछते हैं उस पर आपस में बैठना चाहिए, जो होशियार है उनको भी बैठना चाहिए, ये अभिमान नहीं हो मेरे को सारा पता है, तुम आपस में करो चर्चा करो, नहीं, तुम भी बैठो, तुम ज्यादा होशियार हो कोई बात नहीं, परंतु उनको तो तैयार कर दो। यदि तुम्हारे पास ज्ञान बहुत अच्छा है तो भी तुम उनके साथ बैठो, उनके अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को तो निकालो ना, ये भी तो सहयोग देना है ना, जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए। तुमको टाइम मिलता है दिन के समय, ऐसा नहीं कि भोजन खाते हैं इसलिए नींद का नशा आए, जो बहुत खाना खाते हैं ना उनको नींद का आलस आता है, ठीक है, सोने भी नहीं देना चाहता। दिन में क्लास करना चाहिए, फलाने ने ये पूछा, हमने ये रिस्पॉन्स किया, प्रश्न तो भिन्न भिन्न पूछेंगे,
उनका रेस्पॉन्स भी चाहिए और रियल चाहिए, देखना चाहिए। उनको कशिश में लाया। कशिश में लाना क्या होता है? कशिश में लाना मतलब उनको संतुष्ट करना, सेटिस्फाई हुआ। मतलब आपने जवाब दिया परंतु सामने वाला भी संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ। बाबा की श्रीमत के अनुसार आपने जवाब दिया परंतु सामने वाला संतुष्ट हुआ, उसके अंदर खिंचाव हुआ कि भगवान वाक्य में पढ़ा रहा है। तो खिंचाव किधर होना चाहिए? बाबा की तरफ होना चाहिए। कहीं अपनी तरफ खिंचाव ना हो जाए कि ये बहुत अच्छा, नहीं नहीं तो फिर करेक्शन निकालनी चाहिए। यदि संतुष्ट नहीं हुआ तो समझ लेना चाहिए कि अभी मेरे को समझाने में कहीं ना कहीं कमी है, और उसके फिर बाद में क्या करने चाहिए? करेक्शन निकालनी चाहिए। जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए। ऐसे नहीं कि खाना खाया जल्दी नींद आए। देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते हैं क्योंकि खुशी है ना। इसका क्या मतलब हुआ? खुशी है ना। जब खुशी की खुराक आपके पास है तो खाना कम खाएंगे तो भी कोई दिक्कत। इसलिए खुशी में खाना खाएंगे तो थोड़ा खाया वो भी आपको शक्ति देगा, और रोते रोते खाया तो, क्योंकि एक लाइन बहुत अच्छी तरह से हमें याद रखने चाहिए, हमारे जो सियाने समझदार लोग थे वो, यदि किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसके हाथ से थाली छीन लेते। आजकल तो गुस्से में भी खाते रहते हैं, ईर्ष्या में भी खाते रहते हैं, हर एक उसमें खाते रहते हैं। हाँ, तो मतलब गुस्से वाले व्यक्ति के हाथ से थाली छीन लेते थे, उसको पानी का गिलास पकड़ाते थे तो ये पी। क्यों? जो पानी पिलाते थे, क्योंकि पॉइजन जो ब्रेन से रिलीज हो गया है वो पानी के जरिए जल्दी से जल्दी इस शरीर से निकल जाए, क्योंकि पानी तुरंत उस जहर को घोल कर बाथरूम के जरिए तुरंत निकाल दे, क्योंकि वो बॉडी में ज्यादा देर रुकेगा तो बॉडी के जो सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय करेगा। और पानी जो है ना पियो, और ताकि जो है ना वो जल्दी से जल्दी ब्लड से ही बाहर निकल जाए, किडनी में छनेगा और छनते ही वो पॉइजन तुरंत बाहर निकल जाएगा। और यदि वो खाने के साथ लीवर में चला गया, पचने के लिए चला गया, तो वो पकेगा पचेगा, और उसका फिर जो शोषण होता है वो धीमी गति से होता है। हर एक प्रोटीन विटामिन अपने अपने तरीके से उनमें से निकालता है शरीर, परंतु ब्लड में जाने से तुरंत जो है ना किडनी से छनता है और जो वेस्ट होता है बाहर, और जो पॉइजन है उसको किडनी छान करके बाहर निकालती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत नहीं है उसको तुरंत बाहर निकाल देती है। इसलिए सांप काट जाता है, कोई पॉइजन यदि चला जाता है खा लेता है तो उसको तुरंत नमक वाला पानी पिलाया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी वो बाहर निकले। बाथरूम ज्यादा हो, पानी ज्यादा पिलाओ और बाहर निकले। मतलब कोई भी जहर अंदर चला गया है, क्योंकि सांप काटेगा तो ब्लड में जाएगा वो जहर, और ब्लड में जहर गया है तो उसके लिए पानी पिलाओ नमक डाल करके, ताकि नमक उसको खत्म करे, तेजाब है ना नमक, और उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकाले। कोई भी पॉइजन गया है तो तुरंत जल्दी से जल्दी बाथरूम के जरिए बाहर निकले, क्योंकि लैट्रिन के जरिए बाहर तो 24 घंटे का भी टाइम ले सकता है, तो पेट में तो रह गया ना वो, तो इसलिए खाना छीन लेते थे। तो क्योंकि खुशी है ना, इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है। ब्राह्मण बनते हैं तब है जब उनको खुशी मिलती है। देवताओं को खुशी है ना, क्योंकि उनके पास धन महल आदि सब कुछ है, उनके लिए खुशी ही काफी है। खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे। सतयुग में सारे खुश रहते हैं, खाना भी थोड़ा खाते हैं, सूक्ष्म खाते, ज्यादा खाते नहीं।
ये भी एक कायदा है, एक नियम है बाबा सुंदर, ये भी एक क्या है, नियम है। क्योंकि खुशी में ज्यादा खाने खाने की जरूरत नहीं। आप यदि गुस्से में है, टेंशन में, जितना खाएंगे वो थोड़ा लगेगा, और खा लो और खा लो और खा लो। ये भी एक कायदा है, कायदा माना उर्दू का शब्द है जी, नियम है। जास्ती खाने वाले को जास्ती नींद आएगी, जिसको नींद का नशा होगा वो किसको समझा भी नहीं सके, फिर तो उबासियां लेता रहेगा, गुटके खाता रहेगा, मजबूरी में आंखें फाड़ फाड़ के देखेगा क्या पढ़ के सुनाओ, उसको दिखाई भी नहीं देगा, रुक जाएगा जैसे लाचार। ये ज्ञान की बातें तो बड़ी खुशी से सुननी सुनानी चाहिए, सुननी भी खुशी से चाहिए, सुनानी भी खुशी से चाहिए, समझाने में भी सहज होगा तो उसको फिर समझाने में भी क्या होगा, सहज होगा। मूल बात है बाप का परिचय देना। ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा है, ढेर की ढेर प्रजा है, ये प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बाप ने समझाया है इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं प्रवेश करता हूं, नहीं तो रथ कहां से आए, नहीं तो बताओ रथ कहां से आए, रथ गाया हुआ है शिव बाबा के लिए। रथ में कैसे आते हैं, उसमें मूंजते हैं, रथ तो जरूर चाहिए, रथ तो जरूर चाहिए। अब उसके रथ में कैसे आता है शिव बाबा, उसमें मूंजते हैं दुनिया वाले, ये क्या मतलब हुआ, भगवान होकर के अपना शरीर क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि उसने यदि शरीर बना ले, बाबा ने जवाब दिया, तो फिर कोई और चाहिए बिगर शरीर वाला जो मुझे इस शरीर के चक्र से निकाले, इसलिए मैंने अपना शरीर नहीं बनाया, नहीं बनाता हूं ताकि कोई और मेरी सीट ना ले ले। और कोई दूसरा किसी की सीट ले सकता है, नहीं ले सकता। हर एक आत्मा यूनिक और हर एक आत्मा की सीट फिक्स, बस उसने वही वही सीट पर ही पहुंचना है। श्री कृष्ण तो हो ना सके तो जरूर ब्रह्मा द्वारा समझाएंगे, ऊपर से तो नहीं बोलेंगे, ऐसे थोड़ा कि मैं आकाश में बैठ करके बोल दूंगा वहां से, मुरली सुनो भाई शुरू हो जाए बाबा, वहां से भी बोल नहीं सकते, आकाशवाणी नहीं कर सकता। दुनिया वाले कहते आकाशवाणी हुई, आकाश से वाणी आई कि कृष्ण जो है कहा हे हे कंस, देवकी का आठवां पुत्र जन्म ले चुका है, तेरा अकाल पैदा हो गया है, हे लो बेचारा क्या करे, बच्चों को मरवाने में लग गया। तो जरूर ब्रह्मा द्वारा समझाएंगे, ऊपर से तो नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा कहां से आया, बाप ने सुनाया है ना, मैं इसमें प्रवेश करता हूं, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं ये खुद नहीं जानता, मैं सुनाता हूं। श्री कृष्ण को तो रथ की दरकार ही नहीं, श्री कृष्ण को तो शरीर की रथ की जरूरत ही नहीं। श्री कृष्ण कहने से फिर तो भागीरथ तुम हो जाएगा, गुम हो जाएगा। श्री कृष्ण को कह दिया तो भागीरथ फिर गुम हो जाएगा, भाग्य कौन, शिव बाबा उनके तन में आकर बता रहे हैं ना, ये कुछ नहीं जानता। हाँ तो भाई मेरे ध्यान से समझो कि बाबा कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं जानता, तो हवा में थोड़ा बोल रहे हैं, पहले ही मना किया कि आकाशवाणी मैं नहीं करता हूं कि ऊपर से बोलो, उसी के शरीर से बोल रहे हैं, ये बुद्धू है, उसी के शरीर से उसी को कह रहे हैं ये कुछ नहीं जानता, ये भी अपने जन्मों को नहीं जानता था, मैं आकर इसके भी सारे जन्मों का राज इसे भी समझाता हूं और तुम्हें भी समझाता, फिर तो भागीरथ गुम हो जाए,
जो पॉइंट था वो ये था कि श्री कृष्ण कहने से फिर तो श्री कृष्ण ही गीता का ज्ञान सुनाने वाला है, तो फिर उसे भागीरथ भाग्यशाली रथ की तो जरूरत ही नहीं। भागीरथ माना भाग्यशाली रथ की तो जरूरत ही नहीं, तो भागीरथ ही गुम हो जाए। पर तू भाग्यशाली रथ है जिसमें स्वयं परमात्मा सवार होते हैं और ज्ञान गंगा बहाते हैं, वो भागीरथ। श्री कृष्ण को भागीरथ नहीं कहा जाता, उनका तो पहला जन्म है प्रिंस का, पहला जन्म है प्रिंस का। तो बच्चों को अंदर में विचार सागर मंथन करना चाहिए, विचार सागर क्या करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। आज शब्द एक नया दिया है तो यहां पर आ रहा है कि ब्रह्मा है भागीरथ, ज्ञान की गंगा लाया भागीरथ। ज्ञान की गंगा कौन लाया? भागीरथ। ठीक है, भागीरथ ज्ञान की गंगा लाया, तो दुनिया में दिखाया गया गंगा कहां बैठी है? शंकर की जटा में, शंकर की जटा में, क्यों नहीं, वहां बैठ कर के जो है ना वो ज्ञान की गंगा पानी बाहर निकालती है। तो बाबा ने हमें समझाया कि मैं इस आत्मा की ब्रिकुटी में इस आत्मा के साथ आकर बैठती हूं। तो सिर पे तो बैठी है ना, सिर के अंदर बैठी है, जटाओं में नहीं बैठी है, और उनके ही मुख से तो उन्होंने गंगा एक स्त्री बनाई और उसके मुंह से पानी निकालना शुरू कर दिया। जबकि बाबा कहते मैं इसके मुख से ज्ञान सुनाता हूं और वो ज्ञान चारों दिशाओं में फैलता है, इसलिए ब्रह्मा को चार मुख लगा दिए। बाकी चार मुखों की भी जरूरत नहीं, ये ब्रह्मा ही क्या है, शंकर है। मतलब यहां पर जो मेरे को बात समझ आई कि ये ब्रह्मा ही शंकर है। कब शंकर बनता है? नहीं भाई, नहीं, शंकर का शरीर नहीं है, शंकर का शरीर नहीं है। हाँ, संगम पर ही दिखाते, शंकर का शरीर नहीं है, नंगा है वो। तो जब ब्रह्मा ज्ञान लेने में धारणा में संपन्न हुआ, उसके बाद शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों मिलकर, ब्रह्मा बाबा का ज्ञान देना तो तब पूरा होगा ना, तब ज्ञान देना शुरू करेगा ना अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, और शिव बाबा आकर जो ये अव्यक्त पाठ बजाया, ये था ज्ञान गंगा बहाने का पाठ, है नहीं। तो उसमें ज्ञान गंगा बहानी तो शिव बाबा ने है, चाहे व्यक्त में हो चाहे अव्यक्त में हो, परंतु पहले बहाई भागीरथ का तन लेकर, फिर बहाई अव्यक्त होकर। अव्यक्त पाठ शंकर का पाठ, अव्यक्त पाठ किसका पाठ है? शंकर का पाठ है। इसलिए दुनिया वालों ने शंकर के सिर से ज्ञान की गंगा बहा दी। अब वो अशरीरी है शंकर को उन्होंने लिखा, ना अंगा है, इसलिए उसको जंगल में रख। ये तो बच्चे जानते हैं, वे बातें तो नहीं है जो शास्त्रों में लिख दी है। बाकी ये तो ठीक है, विचार सागर मंथन किया हुआ कलश लक्ष्मी को दिया। तो ये भी देखो कितनी बात आ जाती है, विचार सागर मंथन किया हुआ कलश किसको दिया? लक्ष्मी को दिया। वो कौन है? मम्मा। वो कौन है? मम्मा। यानी वो सारा विचार सागर मंथन किया हुआ कलश लक्ष्मी को दिया, और वो मम्मा बैठकर सब की चेकिंग करती थी डेली, सब लिख के लाओ, आज बाबा ने क्या सिखाया, 300 साढ़े 300 भाई बहनों का मार्किंग करना है, चेक करना है, काम भी करवाना है, सारा कुछ करना है। पता नहीं कैसे करते थे, खाली थे, कोई काम तो था ही नहीं, निकम्मे थे। उसने फिर औरों को अमृत पिलाया, रोजाना 300 साढ़े 300 भाई बहनों की मुरली चेक करना, करेक्शन देना, औरों को अमृत पिलाया,
तब स्वर्ग के गेट खुले। परंतु परमपिता परमात्मा को तो विचार सागर मंथन करने की दरकार ही नहीं, उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा को मंथन करना पड़ता है, हम सबको मंथन करना पड़ता है, पर तो शिव बाबा को तो मंथन करने की भी जरूरत नहीं। वो तो बीज रूप है, उनमें नॉलेज है, वो जानते हैं, तुम भी जानते थे। अब ये अच्छी रीति समझाना जरूर है। समझने बिगर देवता पद कैसे पाएंगे? बाप समझाते हैं आत्माओं को रिफ्रेश करने के लिए, बाकी तो कुछ भी जानते नहीं। बाप आकर समझाते हैं, अभी तुम्हारा लंगर भक्ति मार्ग से उठा। लंगर उठा याद है? लंगर उठा याद है? भूल गए? जहाज का लंगर उठ जाता है, मतलब जहाज ने किनारा छोड़ दिया। अब तुम्हारा इस दुनिया से लंगर उठ गया है, अब तुम्हें घर जाना है। यानी बाप कहते हैं, मैं तुमको जो ज्ञान देता हूं वे प्राय लोप हो जाता है। वो प्राय क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। एक है निराकार, दूसरा है साकारी बाप। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, परंतु माया ऐसी है। माया कैसी है? माया ऐसी है जो कशिश कर गंध में ले जाती है, पतित बन पड़ते, खिंचाव बनाती है। ये ठीक है, सारे तो मजे कर रहे हैं और हम सूखी रोटियां खा रहे हैं। वो देख क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या पी रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। हमारी किस्मत खराब है, कहां फंस गए? वो माया उनको खींचकर, जिनके दिमाग में आया, खिंचाव आया, माया उधर ले जाती है, पतित बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम काम चिता पर चढ़ एकदम कहां आ गए? कब्रिस्तान में। काम का कब्रिस्तान से क्या संबंध है? काम विकार का कब्रिस्तान से क्या मतलब हुआ भाई? काम विकार का कब्रिस्तान से सीधा संबंध है कि तितली बटरफ्लाई जो मादा होता है, जो नर होता है, नर तो मीटिंग करते ही मर जाता है और मादा अंडे देते ही मर जाती है। और इतना ये विकार इतना हानिकारक है, जो जन्म दे सकता है वो मृत्यु है ना। क्योंकि जन्म कब होगा? जब मृत्यु होगी। आत्मा इधर शरीर छोड़ेगी तब जाएगी ना। जब जन्म देने वाली शक्ति हमने नष्ट की तो हमने अपने आप को समझो कि मार दिया। इतना मतलब ये विकार, मतलब बाबा कितनी क्लियर शब्द में दे रहे हैं कि तुम काम चिता पर चढ़ एकदम कब्रिस्तान में आ गए। फिर यहां ही परिस्थान होगा। कब होगा? जब काम चिता से उतरेंगे, ज्ञान चिता पर बैठेंगे। आधा कल्प परिस्थान चलता है, फिर आधा कल्प कब्रिस्तान चलता है। अभी सब कब्र दाखिल है, सारी दुनिया कब्र दाखिल है। अभी कुछ दिन पहले कहा था ना कि कब्रिस्तान बनना है, और आज क्या कह रहे हैं? कब्र दाखिल है। सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझा सकते हैं। ये है ही पतित राज्य, इसका विनाश जरूर होना है। इस धरनी पर अभी कब्रिस्तान है, फिर यही धरनी चेंज हो जाएगी, अर्थात आयरन एज्ड से गोल्डन एज्ड दुनिया होगी। फिर दो कला कम होगी, तत्वों की भी कला कम होती है, होती जाती है, तो फिर उपद्रव मचाते हैं। तुम सभी को अच्छी रीति समझाते हो, अगर नहीं समझाते तो, अगर तुम नहीं समझाते तो कोई मिसल हो, अगर तुम नहीं समझाते हो तो क्या हो? कोई मिसल है, कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी। ये बेइज्जती कर रहे हैं बाबा, थप्पड़ मार रहे हैं, समझा रहे हैं। अगर तुम नहीं समझते, पहले तो नहीं समझते,
तो गोया कोड़ी मिसल हो, समझते ही नहीं हो। मुरली पढ़ रहे हो, मुरली सुन रहे हो, तुम कुछ नहीं समझते हो, तो गोया कोड़ी मिसल है, कोई वैल्यू नहीं। ये वैल्यू तो बाप बैठ बतलाते हैं। गाया भी जाता है हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले चा। तुम भी पहले बाप को नहीं जानते थे, तुम कोड़ी जैसे थे, बाप अभी बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। बाप से ही हीरे जैसा जन्म मिलता है, फिर कोड़ी जैसा क्यों बनते हो भाई? तुम ईश्वरीय संतान होना गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला। जब वहां शांति धाम में है तो उस मिलन में कोई फायदा नहीं, अपने आप बता रहे हैं, अपने आप बता रहे हैं। क्यों रुके हम वहां? जल्दी जल्दी वापस आ जाएंगे, फिक्स तो है, परंतु उनको जिनको ये लाइन समझ में आ जाएगी वो तो जल्दी जल्दी आने वाला काम करेगी ना। तो वह कुछ खिलाता पिलाता नहीं, बैठता नहीं, बात नहीं करता, ज्ञान नहीं सुनाता, चलो भी हम बिगड़े हुए जाए वहां जाके बैठ के सुना देवे। चल भी अब तो तुम आ गए हो, मेरे को तो बड़ा शिकायत, मेरे को तो बहुत शिकायत रहती थी, बाबा वहां क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता। ताकि ये बात जिसको समझ में आ जाए वो यही मेहनत कर ले, नहीं तो सारे सोचेंगे ठीक है परम धाम में जाके बाबा के पास फुर्सत से पढ़ेंगे, अभी तो खाओ पियो और मौज। तो इसलिए कहता है यही पढ़ना है, यही करो, इसी नरक में करो, तो उस मिलन में कोई फायदा नहीं होता। वे तो सिर्फ पवित्रता व शांति का स्थान है, यहां तो जीव आत्माएं हो और परम आत्मा बाप, उनको अपना शरीर नहीं है। वे शरीर धारण कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम बाप को जानते हो और कहते हो बाबा। बाप कहेंगे ओ बेटे, लेकिन बाप भी कहेगा ना ए बाल बच्चे आओ तो तुमको क्या खिलाऊं? दिल खुश मिठाई, टोली खिलाऊं, है ना। और झट सब भागेंगे, सारे बच्चे फिर भागेंगे, टोली मिल रही है भाई। ये बाप भी कहते हैं बच्चे आओ तो तुमको वैकुंठ का मालिक बना। तो जिनको ये समझ में आ जाता है वो दौड़ पड़ते हैं, तो जरूर सब भागेंगे। पुकारते भी हैं हम पतितों को पावन बनाकर, पावन दुनिया विश्व का मालिक बनाने आओ। अब निश्चय है तो मानना चाहिए, बुलाया भी है बच्चों ने, हम आते भी बच्चों के लिए हैं, बच्चों को ही कहते हैं तुमने बुलाया है, अब मैं आया हूं। पतित पावन भी बाप को ही कहते हैं ना, गंगा आदि के पानी से तुम पावन बन नहीं सकते, गंगा में स्नान करने से तुम पावन नहीं बन। आधा कल्प तुम भूल में चले हो, भगवान को ढूंढते हो, परंतु किसको भी समझ में नहीं आता। बाप कहते हैं ए बच्चों, तो बच्चों को भी उस हुलास से निकालना चाहिए हे बाबा, परंतु इतना हुलास से निकलता नहीं। इसको देह अभिमान कहा जाता है, ना कि देही अभिमानी। तुम अभी बाप के सम्मुख बैठे हो, बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही भी जरूर याद आए, बेहद की बादशाही भी जरूर याद आएगी। ऐसे बाप को कितना प्यार से रिस्पॉन्स करना चाहिए। बाप तुम्हारे बुलाने से आया है, ड्रामा अनुसार एक मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता। सभी कहते हैं ओ फादर रहम करो, लिबरेट करो, हम सब रावण की जंजीरों में हैं, आप हमारे गाइड बनो। तो बाप गाइड भी बनते हैं, सब उनको बुलाते हैं ओ लिबरेटर मुक्तिदाता, ओ गाइड आकर हमारा गाइड बनो, हमको भी साथ ले चलो। तुम अभी संगम पर खड़े हो,
बाप सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। अभी है कलयुग, अभी क्या चल रहा है कलयुग, करोड़ों मनुष्य हैं, सतयुग में तो सिर्फ थोड़े देवी देवता ही थे, थोड़े देवी देवता ही थे, तो जरूर विनाश हुआ होगा। वे भी सामने खड़ा है जिसके लिए गायन है, साइंस घमंडी कितना बुद्धि से अकल निकालते रहते हैं। क्या समझ रहे हैं, साइंस घमंडी कितना बुद्धि से अकल निकालते रहते, ज्ञान नहीं कहा अकल कहा, है नहीं, अपना ज्ञान निकालते हैं ना, ज्ञान बाबा का, बाकी ज्ञान और अकल एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, परंतु हाँ जी नई खोज, मतलब अकल ज्ञान एक दूसरे का पर्यायवाची बनता है, परंतु दोनों में अंतर है, है नहीं, क्योंकि बुद्धि से नई बात निकालना, वे है यादव, वे हैं यादव संप्रदाय, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है, अभी तो सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होगी, सतयुग का इतिहास क्या होगा, फिर से रिपीट होगा। तुम समझते हो हम नई दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे, हम नई दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पवित्र जरूर बनना है, तुम समझते हो इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है, इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। बच्चे आदि में, आदि तो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे, जिनके लिए तुम प्रॉपर्टी छोड़ के जाने वाले हो वो भी सारे मर जाने वाले हैं, ठीक है, बताओ ऐसा भी दुश्मन होता है कोई बाप, बताओ हम मरेंगे चलो ठीक है मान लेते हैं हम मर जाएंगे, ठीक, हमारे बच्चे भी मर जाएं, बताओ ये गलत बात है ना, हमारे बच्चे तो ना मरे ना, अब ये बाप है या हमारे जैसे सख्त तो चलो सुन ले, अब माँ कैसे सुने, माँ तो नहीं सुन सकती ना ये बात, अब क्या करे, सुन रहे हैं, सुनना तो पड़ेगा, ना कोई वारिस बनेंगे ना शादी आदि करेंगे, बहुत गई बाकी थोड़ी रही है, थोड़ा समय है उसका भी हिसाब है, आगे ऐसे नहीं कहते थे, अभी टाइम थोड़ा है, पहले वाले जो शरीर छोड़कर गए हैं, गए हुए हैं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जन्म लिया है, क्या कह, समझ में आ गया होगा, जैसा पवित्र बन के गए वैसा जन्म उन्होंने लिया है, दिखाई पड़ता है, जैसे कि यहां का बिछड़ा हुआ उनको ज्ञान के बिगर मजा नहीं आएगा, जो यहां से शरीर छोड़ के जाएगा या वैसे बिछड़ जाएगा, तो दोनों ही, चाहे शरीर छोड़ करके गया चाहे वैसे ही किसी कारण से अपने कार्मिक अकाउंट को बराबर करने के लिए उसको ज्ञान छोड़ना पड़ा, शादियां कर ली, बच्चों में फंस गए, थे नहीं, अपना हिसाब किताब था ना, जीते जी भी मर करके भी, दोनों अवस्थाओं में बाबा क्या करे, उनको ज्ञान के बिगर मजा नहीं आएगा, वापिस आएंगे कहां जाएंगे, माँ बाप को भी कहते हैं हम तो यहां जाएंगे, ये तो सहज समझने की बातें, वो माँ बाप कहते हैं हम वहीं जाएंगे ब्रह्मा कुमारीज में जाएंगे, वो माँ बाप को भी खींच करके ब्रह्मा कुमारीज में ले आते, ये तो सहज समझने की बातें हैं, विनाश जरूर होना ही है, लड़ाई की तैयारी भी देख रहे हो, आधा खर्चा तो इन्हों का इस लड़ाई की तरफ, इस के लड़ाई के सामान में लग जाता, आधे से भी ज्यादा, आप किसी भी देश का बजट देखेंगे, यानी 2/3 आज के टाइम में 2/3 जो है ना वो विनाश के साधनों पर खर्च कर रहे, और जब युद्ध शुरू हो जाता है फिर सारा का सारा बजट उधर चला जाता है, कि युद्ध का सामान कम नहीं होना चाहिए, नाक की बात है, एरोप्लेन आदि कैसे बनाते हैं, कहते हैं घर बैठे भी सारे खलास हो जाएंगे, सारे अपने घर बैठे भी क्या हो जाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं,
ड्रामा में ये भी जैसे बाप के इशारे मिलते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है, समझते हैं ऐसा ना हो जो बीमार पड़ जाए। मरना तो सबको जरूर है, राम गयो रावण गयो दुनिया में गाया गया है। जो योग में रहे आयु बढ़ाते होंगे, उनकी जरूर बढ़ेगी, अपनी खुशी से शरीर छोड़ देंगे। कैसे शरीर छोड़ेंगे? शरीर छोड़ देंगे, खुशी से शरीर कौन छोड़ेंगे? अपने शरीर को सुरक्षित रख के जाएंगे। जैसे मिसाल बताते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, वे भी ब्रह्म में जाने के लिए खुशी से शरीर छोड़ते हैं, परंतु ब्रह्म में कोई जाते नहीं, ना पाप करते हैं, पुनर्जन्म फिर भी यहां लेते हैं। पाप कटने की युक्ति बाप बतलाते हैं कि माम एकम याद करो, और कोई को याद नहीं करना, और किसी का कहना नहीं मानना है, लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करना है। तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से हम ये पद पा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम पढ़ रहे हैं। ये पद पाने के लिए नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार उनों की जो डिनेस्टी चलती है वे बाप ने संगम पर अभिस्थापन किया है। तुम भाषण भी ऐसा करो जो एक्यूरेट किसी की भी बुद्धि में बैठ जाए, एक्यूरेट किसी की भी बुद्धि में बैठ जाए। इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय और प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली भाई बहन है, भाई बहन है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की शादी होती नहीं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की शादी होती नहीं। क्यों नहीं होती भाई? उन्होंने शादी कर लिए, वो भाई भाई है, क्योंकि आत्मा भाई बहने होती है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां, ये तो भाई बहन हुए ना, तो भाई बहन की शादी आपस में नहीं हो सकती। ये भी बाप समझाते हैं, कैसे गिर पड़ते हैं, काम अग्नि जलाती है परंतु डर रहता है, एक बार हम गिरा तो की कमाई चल, एक बार भी काम विकार में गए तो की हुई सारी कमाई वो सारी बर्बाद हो गई, चट हो जाती। काम से हारा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, कमाई कितनी बड़ी है, मनुष्य पदम करोड़ कमाते हैं, उनको ये थोड़े ही पता है कि थोड़े समय में ये सब खत्म होना है। बॉम्ब्स बनाने वाले जानते हैं ये दुनिया खत्म होनी है, हमको कोई प्रेरक है, हम बनाते रहते हैं। अच्छा, मीठा मीठा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। किसी का कोई प्रश्न था क्या? धारणा के लिए मुख्य सार नम, हाँ जी, वो तो परमानेंट हाथ, वो परमानेंट हाथ उठा रहता है। ज्ञान को अंदर घोटना है, ज्ञान को अंदर घोटना है, विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान की आपस में रू रिहान कर फिर दूसरों को समझाना है, सुस्ती व आलस को छोड़ देना है। देही अभिमानी बन बड़े उल्लास से बाप को याद करना है, बड़ी खुशी से उमंग उत्साह से बाबा को याद करना है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए। क्यों आए हैं? कोड़ी से हीरा बनने के लिए, हम हैं ईश्वरीय संतान। ये नशा रहे कि हम हैं ईश्वरीय संतान। वरदान ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव।
ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, तारे हो गए सारे साथी ज्ञान सितारे, और ये ज्ञान सितारों को जिम्मेवारी दे दी तुमने रात से दिन करनी है। वो सितारे तो रात से दिन नहीं कर सकते, परंतु तुमने रात से दिन बनाने हैं। जैसे वे सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। वे सितारे रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। वे आकाश के लक्की सितारे हैं और आप धरती के सितारे हो। वे प्रकृति की सत्ता है, आप परमात्म सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारा मंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्म तारा मंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। स्लोगन है, सेवा का चांस मिलना, मतलब किसी को भी सेवा का चांस मिलता है तो समझ लो दुआओं से झोली भरने का अवसर मिला। सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना का चांस मिल गया। इसलिए बाबा कहते चांस को एक्सेप्ट करो तो चांसलर बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करो, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।